केंद्रीय कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी DFIs से जुड़े एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। नेशनल बैंक की तरह काम करने वाले ये इंस्टीट्यूशन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार ने बजट में ऐसे बैंक बनाने का ऐलान किया था और अब अपना वादा पूरा कर रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देश में जारी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने का काम करेगा। सरकार के मुताबिक नए इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल जीरो से शुरू किया जाएगा। अभी एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जो आगे के फैसले लेगा। That during the budget we had mentioned that we will be setting up a national bank which will fund infrastructure and also any developmental activity. You are all aware that there have been at least 3 or 4 attempts in India earlier to have alternative investment funds. One was, of course, you knew IDBI, and several such attempts had earlier been taken up. But gradually, because they either changed their nature of business or for different reasons, we ended up with no bank which could take the long-term risk and fund development. DFI को शुरुआत में 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस बैंक की ओर से बॉन्ड जारी कर इसमें निवेश किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि DFI अगले कुछ वर्ष में 3,00,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। साथ ही इसमें निवेश करने वालों को टैक्स छूट का भी लाभ मिलेगा। इसमें सॉवरेन फंड के साथ ही पेंशन फंड में भी निवेश कर सकते हैं। प्रस्तावित DFI में 50% डायरेक्टर गैर सरकारी होंगे। सरकार डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कुछ सिक्योरिटीज भी जारी करने की योजना बना रही है। इससे फंड्स की लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इससे DFI को शुरुआती पूंजी के इस्तेमाल से कई सोर्सों से फंड जुटाने में मदद मिलेगी और इसका भारत के बॉन्ड मार्केट पर भी पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि कोई भी पुराना बैंक बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की फंडिंग को तैयार नहीं था। इस समय देश में करीब 6,000 प्रोजेक्ट को फंडिंग की दरकार है। बैंकों की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के गठन का फैसला लिया गया, जिसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन के बोर्ड मेंबर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के दिग्गजों को भी जगह दी जाएगी। आई हैड अनाउंस्ड 111,00,000 करोड़ फॉर अ पाइपलाइन व्हिच हैड मोर देन 6,000 एट दैट टाइम इन दिसंबर 2019, मोर देन 6,000 सच ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स व्हिच नीडेड टू बी फंडेड। सो we have acknowledged that both development and financial objectives will matter for setting up a DFI, and therefore, whilst we mentioned it in the budget, but even as the budget session is still on, the cabinet is already cleared the setting up of a development finance institution. तो वही वित्त मंत्री ने बैंकों के निजीकरण पर कहा कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक बने। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को इसी उम्मीद के साथ बनाया गया है जो मार्केट की उम्मीदों को भी पूरा करेगा। जिन बैंकों का निजीकरण हो रहा है उनके कर्मचारियों के अधिकारों और भविष्य का ध्यान रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने निजीकरण के मामले में राहुल गांधी के आरोपों का भी जवाब दिया। निर्मला सीतारमन ने कहा कि उनकी दादी ने भले ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया हो, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया है और राहुल गांधी का काम सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना ही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए IDBI बैंक का गठन हुआ था, लेकिन लगातार बढ़ते NPA की वजह से यह बैंक घाटे में चला गया। IDBI एक सरकारी बैंक था जो 1964 में बनाया गया था। 2019 में LIC ने IDBI में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश कर इसकी 51% हिस्सेदारी खरीद ली। इसके बाद LIC और सरकार ने मिलकर 9,300 करोड़ रुपए IDBI बैंक को दिए। अब IDBI बैंक में LIC की 51% और सरकार की 47% हिस्सेदारी है। दिसंबर की तिमाही में बैंक को 5,763 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ। खैर, IDBI बैंक के हालात कब सुधरेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इस नेशनल बैंक के गठन से अधर में लटकी 7,000 परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा।